इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है, भाई बता रहे हैं कि इसके अंदर ये स्प्लेंडर से अच्छी एवरेज देती है। जैसे ताइवान की लाइटें लगाई हुई है, ऑलरेडी स्मोक्ड लाइटें, उन्होंने इसके ऊपर कोई टेपिंग है, इसके ऊपर कोई रैप नहीं है, पूरा पादी चीज कराई हुई है, जो कि है ये हूटर। ये फ्लिप के दिखा देता हूँ, ये देखो, और ये जो है ना इसके अंदर चार सेल आते हैं, वो खुशी के चार सेल होते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका 47 नेशन में और मैं हूँ अतीक आपके साथ। तो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है स्विफ्ट के ऊपर, जो कि जस्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो गाड़ी जो है बहुत ही एक्जॉटिक बनाई हुई है भाई ने, और गाड़ी के अंदर बहुत ही डिसेंट काम हुआ है गाइस। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इलीगल काम नहीं कराया हुआ है। एग्जॉस्ट का इसका साउंड था पहले कैसा था, भाई बता रहे हैं कि माइल्ड साउंड था, मैंने भी सुना है एक दो बार। अभी इसके अंदर करंट जो है एट प्रेजेंट इन्होंने इसके अंदर एग्जॉस्ट नहीं लगाया हुआ है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूँ, गाड़ी के अंदर बहुत ही हैपनिंग चीज लगी हुई है, जो कि है सीएनजी। आजकल की बहुत ज्यादा नीड है यार सीएनजी, पेट्रोल इतना ज्यादा हो गया 82 रुपए लीटर। तो भाई ने इसके अंदर सीक्वेंशियल इटालियन किट लगाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी किट है, इम्पोर्टेड किट है। भाई ने इसके अंदर जो लगाई हुई है उसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है, बट इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है। भाई बता रहे हैं कि इसके अंदर ये स्प्लेंडर से अच्छी एवरेज देती है। तो गाइस देखते हैं कि स्प्लेंडर से अच्छी एवरेज देती है गाड़ी, और इसका पिकअप वगैरह कैसा है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर एडवांसर कौन सा लगाओ, क्योंकि जब आप सीएनजी लगाते हैं गाड़ी के अंदर तो आपको एडवांसर की जरूरत पड़ती है। तो एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि किट कौन सी है और गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ और कितना खर्चा है पूरी ओनर के पास, और ओनर से पूरी चीज़ें पूछते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या कराया हुआ है। तो ये है हमारे आशीष भाई। आशीष भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। तो आशीष भाई, गाड़ी का वेरियंट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मॉडल कौन सा है? ये है गाड़ी स्विफ्ट 2012 मॉडल, ठीक है, EXI मॉडल है, पेट्रोल। ओके, तो ये स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो भाई ने आगे पूरी प्रॉपर तरीके से ताइवान की लाइटें लगाई हुई है, ताइवान लाइट्स बोलते हैं इसको। इसके अंदर DRLs आपको मिल जाती है, एक प्रोजेक्टर मिल जाता है, एक HID मिल जाती है, और साथ में यहाँ इंडिकेटर मिल जाता है। इसका जो प्रोजेक्टर है इसके अंदर इन्होंने क्रिस्टल है की HID डाली हुई है, साथ में नीचे आप देख सकते हो फॉग लैम्प्स भी है। फॉग लैम्प जो है विदाउट DRL है, इसके अंदर जो है नाइट आएगी HID ही है। और अगेन आगे आप अगर बम्पर देखेंगे, 2012 के अंदर ये वाला बम्पर नहीं आता था, तो भाई ने बम्पर चेंज करा के 2015 मॉडल का लगवाया। अगर आप देखेंगे तो पहले 2012 वाले में ग्रिल बहुत छोटी आती थी और ये वाली ग्रिल भी नहीं आती थी। तो ये दोनों चीज़ आप देख सकते हो, कैमरा एडजस्ट कर पा रहा होगा प्रॉपर तरीके से कि इसके अंदर ये कर्व वगैरह जितने भी शेप्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो 2015 वाली है, साथ में फ्रंट में आपको इसके अंदर स्ट्रिप्स का काम दिख जाएगा, ग्लॉस ब्लैक प्लस रेड के इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं आपको एक बार दूर से दिखा देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से कुछ गाड़ी की फ्रंट से लुक आ रही है और गाड़ी बहुत ही डिसेंट लग रही है। साथ में भाई ने एम परफॉर्मेंस का डिकैल लगाया हुआ है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई BMW के बहुत ही ज़्यादा बड़े फैन है, तो इन्होंने पूरा BMW का काम इसके ऊपर कराया हुआ है। BMW इंशाल्लाह जल्दी ले लेंगे। भाई कब ले रहे हो फिर BMW? But you don't care, you're unaware, keep moving like the scars on. तो गाइस साइड प्रोफाइल आप इसकी देख सकते हो, इसके अंदर हैंडल क्रोम्स लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और उसके साथ साथ इसके अंदर 17 इंच का एलॉय लगा हुआ है, जो कि है 215/45R17 एलॉय 7J के अंदर। और एलॉय बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी को, आप देख सकते हो गाड़ी व्हाइट है, और उसके साथ साथ इसके अंदर सिल्वर कलर के एलॉय बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं। उसके साथ साथ साइड प्रोफाइल अगर आपको मैं आपको दिखाऊं तो गाड़ी से थोड़े से ये बाहर आते हैं, आपको मैं चलते हुए की भी एक वीडियो डाल दूंगा, इसके बाद आप वो सिनेमैटिक भी एंजॉय करेंगे। तो गाइज अब आ जाते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल के अंदर। तो बैक प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आपको भाई का नाम दिखेगा, भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल दूंगा अभी आ रहा होगा, आशीष सचदेवा, भाई को जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। गाड़ी की जो पीछे वाली लाइट है आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी स्मोक्ड लाइट है, इन्होंने इसके ऊपर कोई टेपिंग है, इसके ऊपर कोई रैप नहीं है, ये ऑलरेडी स्मोक्ड लाइटें आती है, और टेल लाइट्स ये इनको 9,500 रुपये की पड़ी थी। आप लुक देख सकते हो इसकी। तो भाई इसमें से ये बैक लाइट होती है, जब आप इसको रिवर्स करते हैं यहाँ इंडिकेटर होता है, और ये होती है पूरी बैक लाइट। मैं आपको इसके नाइट शॉट्स भी एक बार डाल दूंगा, रात में कैसी लगती है पीछे से और आगे से जलती हुई। और उसके अलावा गाइस पीछे भी आपको अगेन स्टेप का काम दिख जाएगा, जो आपको आगे पूरा बोनट के ऊपर। तो गाइस चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर देखते हैं कि अंदर की तरफ गाड़ी में भाई ने क्या क्या काम कराया हुआ है। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी फ्लिप की दिखा देता हूँ, ये देखो अपने भाई ने फ्लिप की बनवाई हुई है इस वाले वेरिएंट के साथ, जो है फ्लिप की नहीं आती है, नॉर्मल की आती है। कितना कॉस्ट आया था इसका?
उस टाइम 1500 की पड़ी थी। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर भाई ने ज्यादा काम नहीं कराया हुआ है, बेसिक काम है। जैसे कि आपने सिनेमैटिक्स देख ही लिए होंगे, अंदर के सीट कवर्स भाई ने जो लगाए हुए हैं, ये है बकेट सीट कवर्स जो कि लैमिनेशन फिनिश के अंदर, और इसके अंदर हाईलाइट दी हुई है व्हाइट स्टिचिंग की, और उसके साथ साथ भाई ने हैंडरेस्ट लगाया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि गाड़ी अंदर से पूरी ब्लैक है। इसके अंदर जो आगे सिस्टम लगाया हुआ है ये है MBH की स्क्रीन लगाई हुई है, और यह है पाइनियर की, और इसको भाई ने 2 साल पहले लगाया था। अभी इसका आउटपुट मैं आपको सुना दूंगा कि आउटपुट किस तरीके से है। आगे इसके अंदर स्पीकर जो है आप देख सकते हो, ब्रांडिंग आपको इन्फिनिटी की देखने के लिए मिल जाएगी। इन्फिनिटी के कंपोनेंट्स डले हुए हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, पीछे के दोनों डोर्स के अंदर। इसके अंदर JBL के नॉर्मल स्पीकर्स है, इसके अंदर इन्फिनिटी के ट्विटर्स डले हुए हैं प्रॉपर तरीके से, और ये मूवेबल है, ये इस तरीके से पूरा घूम जाता है। इसके अंदर इन्होंने खुरापाती चीज कराई हुई है जो कि है ये हूटर। गाइस ये चीज इलीगल है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप अपनी गाड़ी में लगाओ, बट शॉक बड़ी चीज है। पहले मैं आपको सुना देता हूँ कौन कौन से इसके वेरिएशन है इसके अंदर। पुलिस, ये है बंदूक, बंद, सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये गाड़ी के अंदर। तो अभी ऑफ हो गया है। तो भाई ये कितने का लगाया था आपने? 3000। स्टार्ट करते हैं हम NCS का गाना और देखते हैं गाड़ी का आउटपुट किस तरीके से आता है। आपने गाड़ी का आउटपुट देख ही लिया होगा कि साउंड का आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। यार मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, इस गाड़ी के अंदर बेस ट्यूब नहीं है, तो केबिन साउंड बहुत ही अच्छा है गाड़ी के अंदर। ऑल दो गाड़ी के बाहर थोड़ा सा आने के बाद साउंड कम हो जाता है। साउंड का आउटपुट अच्छा आने का एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर प्रॉपर तरीके से CTK की सिल्वर डैम्पिंग इन्होंने कराई हुई है, जो कि इनको पर डोर 1500 रुपीज समथिंग पड़ा था। इसके अंदर कर्टन्स लगाए हुए जो कि है ऐसे वाले, अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ से विजिबिलिटी हो जाएगी और यहाँ से जो है सीधे बंद हो जाएंगे। तो भाई ये आपने कर्टन्स कितने के लिए थे? 300 रुपीज़ के। तो गाइज मेरे चैनल पे आपको एक चीज़ जो है 100% गारंटी के साथ मिलेगी। आपको जो भी चीज़ें होगी मैं आपको कुछ भी उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। जो ऑन एक्चुअल हमने जो चीज़ हमें पड़ी है वो चीज़ का ही रेट बताऊंगा उसके अंदर। ये नहीं कि 200-300 रुपये एक्स्ट्रा बता दिएगी ताकि किसी भी दुकान वाले का किसी का फ़ायदा हो, मुझे आपका फ़ायदा चाहिए, दुकान वाले का नहीं भी है। और अब आ जाते हैं इसके मेन और आखिरी पॉइंट के ऊपर जो कि है वो ये छोटी सी चीज़। और ये जो है ना इसके अंदर 4 सेल आते हैं, वो खुशी के 4 सेल होते हैं। तो चलते हैं एक बार और देखते हैं कि CNG का सेटअप इसका पैसे पीछे कैसे लगा हुआ है और कितना इसका एवरेज आती है इसके ऊपर और कितने किलोमीटर चलती है कितने पैसे में। इस फाइनली मोस्ट अवेटेड थिंग जो हम आप ढूंढ रहे थे कि गाड़ी के अंदर CNG लगी हुई है। तो गाइस CNG आप देख सकते हो इसके अंदर 12 किलो का सिलेंडर इन्होंने लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो गाइस इसके अंदर जो किट लगी हुई है वो है सीक्वेंशियल किट। भाई कितनी एवरेज देती है 12 किलो के सिलेंडर पे? टोटल भरती है 340 रुपए की। अच्छा, चलती है 140 किलोमीटर 340 में। और हाईवे पे 200 किलोमीटर से ऊपर। ओह माय गॉड गाइस, 240 किलोमीटर और 200 प्लस किलोमीटर भी चल रही है गाड़ी, तो तब भी बहुत ही अच्छी चीज है यार 350 रुपए के अंदर। गाइस आप मतलब ये तो बिल्कुल ही मतलब अलग ही चीज़ हो गई है गाड़ी के अंदर। 350 रुपये के अंदर ये सिटी में 130 किलोमीटर चलती है और हाईवे पे 200+ चलती है, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से कमेंडेबल चीज़ है। भाई के पास और भाई से पूछते हैं कि इन टोटल भाई ने कितना स्पेंड किया हुआ है। तो आशीष भाई, इसके अंदर आपने इन टोटल गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट कितना पैसा होगा अप्रॉक्सीमेट आइडिया? ऊपर से अराउंड 1 लाख रुपीज लगा चुका हूँ। अच्छा, उसके अंदर सब कुछ कवर है, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो जाती है, अराउंड 1 लाख लगा चुका है। तो गाइज 1 लाख रुपए के अंदर, तो मैं आपको छोटा छोटा इसके अंदर ब्रेकअप अगर दूं तो 10,000 रुपए की सीधी सीधी पीछे की टेल लाइट है, आगे की जो इसके हेडलैम्प्स है वो टोटल मिला के 20,000 रुपीज के हैं, 40 से 42,000 रुपए के आसपास के इसके एलॉयज है, और अंदर म्यूजिक का सेटअप जो इसका लगा हुआ है वो 20,000 रुपीज के आसपास है। तो CNG भी इसके अंदर जो लगी हुई है ऑन पेपर CNG है, कोई इलीगल CNG नहीं है। तो ये भी इन्होंने 32,000-35,000 रुपीज के अंदर ही इन्होंने लगाई थी। तो और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, सीट कवर्स लगाए हुए हैं, हैंडरेस्ट है, तो ये सब चीज़ें गाड़ी के अंदर नहीं आती है, इन्होंने बाहर से लगाई है। तो ये सारी चीज़ें मिला के अप्रॉक्सीमेट आइडिया इसका 1 लाख रुपए भाई ने गाड़ी के अंदर लगाया हुआ है। तो गाइस सिनेमैटिक्स डाल देता हूँ गाड़ी के, पूरे सिनेमैटिक्स एंजॉय कर दो चलते हुए, नॉर्मल खड़ी हुई स्टेयर मैं आपको।
तो गाइस पूरी गाड़ी फीचर हो चुकी है, भाई ने प्रॉपर तरीके से बता दिया, लाख रुपए भाई ने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट स्पेंड किया हुआ है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू गाइज, बाय बाय।